मुझे ये बताएं कि इससे पहले आप क्या करती थी? इससे पहले तो मैं आप ही बेकिंग करती थी, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब आपने इतना कुछ दिया, मैं दिल से मेहनत करूंगी और अपना रोजगार तो कमाऊंगी। जब आप बैगिंग करती थी तो उस वक्त आपने नहीं सोचा कि मैं कोई काम कर लूं? आपके पास हुनर भी था, आपके पास स्किल भी थी, तो उस वक्त क्यों नहीं किया? बस कोई हेल्प करने वाला नहीं था आपको। मैंने कहा था शुक्र अल्लाह का आपने मुझे इतनी चीजें दी। वो बैकिंग वाला काम तो अच्छा नहीं था, तो उसमें कभी फील होता था, बुरा फील होता था कि कोई लोग हाँ बातें करते होता हैं था। वो? बहुत माइंड करती थी मैं, लेकिन कहती थी इससे इसके अलावा कोई और कोई कारोबार है नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपने मुझे ये मुहैया किया। मतलब अच्छे लोग अच्छा भी मिलते होंगे, बुरे लोग भी मिलते होंगे। हाँ, जाहिर है आपको पता, बेकिंग करने वालों को 100 अच्छी नजर से देखता है, 100 बुरी नजर से देखता है। इसलिए मेरे ख्याल में अच्छी नजर से तो काम, लेकिन बुरी नजर से लोग ज्यादा हाँ देखते जी, हैं। तो बुरी नजर से तो बुरा हर कोई फील होता देखता था है। आपको इस वक्त? हाँ बहुत बुरा फील होता था, लेकिन मैं कहती थी क्या करना है, मैं क्या करूं। अब करें क्या, मैं दिल से बेकिंग छोड़ना चाहती थी, लेकिन कोई वसीला नहीं था। चले अब आपका वसीला बन गया है, और अब आपने तहे दिल से ये नियत करनी है, सिद्के दिल से, कि आपने अपने इस भाई के रोजगार इंशाल्लाह को बढ़ाना है। और इनशाला वेरी सोन बहुत जल्द हम आपके घर भी आएंगे, आपका फॉलो अप लेंगे, और हम देखेंगे कि आप कितना और कैसे काम कर रही हैं। वोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज, और आप देख रहे हैं मोरक टीवी। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी ऑल कम्युनिटी की तरफ से, तमाम ख्वाजसरा बरादरी की तरफ से, आप सबको रमजान मुबारक का मुकद्दस और मोहतरम महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम अपने खसूसी सेगमेंट फिजाने रमजान में मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर माह हम एक मंथली ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम करते हैं, जिसकी हमने लास्ट मंथ एक सालाना ग्रैंड एनिवर्सरी भी की, और मोरक टीवी के प्लेटफॉर्म से इंपावर्ड होने वाली ट्रांसजेंडर्स को हमने सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल से नवाजा। आज एक बार फिर हम उसी प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं, जिसका मकसद है अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, जो विलिंग हैं, जो डिजायर्ड हैं, और जो चाहते हैं, दिल से ये चाहते हैं कि वो नाच गाने से, बैगिंग से, और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज से उनकी जान छूट सके और वो एक बाइज्जत जिंदगी, बाइज्जत रोजगार के साथ गुजार सके। तो नाजरीन, जैसा कि आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि आज एक अदद सिंगर मशीन और टेलरिंग मटेरियल सेट पे मौजूद है, और मेरे साथ एक ट्रांसजेंडर सना हाशम भी मौजूद हैं, जो कि ये ख्वाहिश रखती थी कि वो अपना टेलरिंग सेंटर खोल सकें। तो टेलरिंग सेंटर तो नहीं, लेकिन स्मॉल स्केल पे हम आज इनको एक छोटा सा कारोबार करवाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सना की तरफ, और सना से पूछते हैं कि आज उनकी दरीना ख्वाहिश पूरी होने के बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ठीक कैसी हैं आप? हूँ मैं, आप कैसे हैं सोनिया नाज? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे फिजाने रमजान के खसूसी सेगमेंट में तशरीफ लेके आई, और आपने हमें एक मौका दिया एक बार फिर कि हम ट्रांस इम्पावरमेंट प्रोग्राम पे काम कर सकें। तो कैसा महसूस कर रही हैं आज आप एक टेलरिंग मशीन और टेलरिंग मटेरियल हासिल करके? मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। पहले मैं औरों की मशीन लेके सीती थी, कभी कोई आधे सिलते थे और आधे नहीं थे सिलते, वो मशीन मांग लेते थे। लेकिन अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपने ये मुझे मशीन दी और ये सैंपल दिए, मैं इससे भी अच्छे खूबसूरत सीख के दूंगी, और इतना मटेरियल दिया, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे आपको। आमीन सुम्मा आमीन। आप समझती हैं कि आपके पास अब माशाल्लाह से सुई से लेके सिलाई तक हर चीज मौजूद है, तो आपके जो मसाइल थे, जो भी दरपेश मसाइल थे आपको टेलरिंग के दौरान, वो हल हो जाएंगे। मैं क्या बताऊं कि मैं इतनी खुश हूं, आपने धागे भी दिए, लैसे भी दिए, सब कुछ दिए, बटन भी, सुइयां, धागे भी, और मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ साथ मेरे उन दोस्तों का, उन भाइयों का, उन बहनों का, उन मुखय्यर हजरात का शुक्रिया अदा करें कि जिनके तावन से हम ये सब करने में कामयाब होते हैं। मैं वो सब भाइयों की बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुझे दिया, और आपकी,
और अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। भाई भी हैं, बहन भी हैं, बहनें हाँ भी भाई हैं भी हैं, हमारे बहनें भी साथ। हैं, अल्लाह हाँ पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन। ऐसे ही कामयाब वो हो जैसे आपको वो आपके साथ करते हैं, आप हम लोगों के साथ करते हैं। हम लोग दिल से दुआएं करते हैं और दिल से खुश होते हैं हम लोग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो हम लोगों की, ख्वाजा सरा की, दिल से ऐसे ही मदद करते रहे और हम ऐसे ही अपने 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 कारोबार की तरफ आए। तो नाजरीन आपने देखा और सुना कि ये सिर्फ एक सना हाशिम नहीं है। आप हमारे सेट पे मेरे ख्याल में जितने भी ट्रांस इम्पावरमेंट के लिए आई हैं और जिनको हमने इम्पावर करने की कोशिश की, तो आपने देखा कि वो लोग दिल से खुश नहीं है कि वो बैगिंग करें या नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों या वो नाच गाना करें। वो लोग मजबूरन ये सब कुछ करने पर मजबूर इसलिए हैं कि उनके पास कोई चौथी ऑप्शन नहीं है, कोई चौथा रोजगार नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो अगर आप लोग साथ दें तो हम एक सना नहीं, न जाने कितनी सना को हम इम्पावर्ड कर सकते हैं और उनकी बैगिंग से और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज से जान छुड़वा सकते हैं। सो आई होप कि फिजाने रमजान का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक में जरूर बताइएगा कि आपको हमारे फिजाने रमजान का आज का स्पेशल क्लास इम्पावरमेंट प्रोग्राम कैसा लगा। खुदा करे कि ये महीना ऐसे रहमतों और बरकतों वाला हो और हम सबके लिए खुशियां और हम सबके लिए मजीद रहमतें लेके आए। तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए अपनी मेजबान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नई पर्सनालिटी के साथ, अल्लाह ने के पान। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।